भगवान की पूजा सब लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा घर में करते हैं वो ही भगवान सगुण साकार रूप धारण करके अपनी भगवत्ता को भुलाए ब्रज में विचरण कर रहे हैं एक ज्ञानी ने कहा श्रिणु सखी कौतुकमे कम नंद निकेतांगने ने मया दृष्टम गो धूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत वे कहते हैं अरे ज्ञानियों आश्चर्य की बात सुनो बताइए गुरुदेव क्या बात है वो जो वेदांत का सिद्धांत है ना मैंने तुम लोगों को बताया था वेदांत के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म तो वो नृत्य कर रहा है लो गुरु जी को क्या हो गया कहते हैं वेदांत का सिद्धांत नृत्य कर रहा है कहा गुरु जी यशोदा मैया के घर के आंगन में तो ये अजीब विडंबना और ऐसी विचित्र अलबेली बात भगवान क्यों करते हैं क्योंकि वे प्रेम के बंधन में अलबेले हो जाते अलबेलो हमारो यार प्रेम के बंधन में कृपालु जी महाराज कहते हैं कि हमारे परम प्रियतम कैसे अलबेले हैं जात समाधिन योगिन जे नाचत ता थे ता थे 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 नारिन की तारिन की तार प्रेम के मलन में बड़े बड़े योगी मुनि समाधि लगाते हैं भगवान वहां जाते ही नहीं दर्शन ही नहीं होता और यहां पर नृत्य कर रहे हैं गोपियों की ताली पर तो भगवान की ऐसी अवस्था कैसे हो गई क्योंकि वो भगवान प्रेम के वश में है भक्ति वश्य कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का सर्वोच्च गुण उनकी भक्तवत्सलता है भगवान भक्त से स्नेह करने वाले भक्त वत्सल भगवान बड़े बड़े कवियों ने भगवान की भक्त वत्सलता का खूब यशोगान किया साल इत्यादि तो कृपालु जी महाराज कहते हैं कि भक्त वत्सलता से भी एक भगवान का बड़ा गुण है वो भक्त वश्यता यानी भक्त के वश में आ जाते हैं जहां भक्ति आई उनकी भगवत्ता सब खत्म वो भक्त के लेवल पर आ गए और भक्ति नहीं है वो अपनी सत्ता पर बने रहेंगे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अध्यक्ष तो हम अब जो लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं ये पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं तो उन लीलाओं में वे एक प्रेम का खजाना ले आए और लीलाएं करके चले गए खजाने को यहां छोड़ दिए और उनके बाद अनेकनेक संत आए और उस खजाने की लीलाओं को रहस्यों को उजागर किया और उसी के माध्यम से एक भक्ति की बाढ़ ले आए हमारे भारतवर्ष में तो जो श्री कृष्ण ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे भाई मैं धर्म के संस्थापन के लिए आता हूं आप कहे कौन सा धर्म भगवान तो आकर चले गए और कलयुग प्रारंभ हो गया ये कैसा धर्म ऐ वो भक्ति ईश्वर प्रेम धन को स्थापित करने के लिए वे आए तो अब हम जरा उनकी लीलाओं में प्रवेश करें ब्रजवासी लोग तो खुशई मनाते ही चले जा रहे थे बड़े बड़े साधनाओं के परिणाम स्वरूप उनको वो सीट मिली है अर्थात जीव जब साधना करता चला जाता है, उसकी साधना जब परिपक्व हो जाती है, तो मृत्यु लोक में भगवान के अवतार काल में उसे प्रथम बार चांस मिलता है उनकी लीलाओं में सम्मिलित होने का और फिर वहां पास हो गए तो उनके लोक चले जाते और कुछ ऐसे ऐसे सिद्ध होते हैं जो गोलोक से ही अवतार लेकर भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होते तो ब्रजवासी लोगों की सीट बहुत ऊंची है जन्म के छठे दिन यानी पांच दिन के बाद ये छठी नंद बाबा ने कहा कि मुझे मथुरा जाना है महाराज कंस के टैक्स को भरने के लिए क्योंकि पूरा मथुरा प्रांत उनके अंतर्गत था तो छोटे छोटे राजा लोग नंद इत्यादि टैक्स भरा करते थे तो यहां पर कम सोचने लगा कि वो बच्चा कहां गया ब्रज में ही तो गया है जो जेल से निकल गया तो उसने अपनी दासी पूतना को बुलाया और कहा देखो तुम जाओ छदम से ब्रज में जितने बच्चे पिछले एक मास में पैदा हुए उनका वध कर दो उन्हीं के अंतर्गत ब्रह्म भी होगा तो पूतना राक्षसी उसने अपनी राक्षसी माया से अपने को परम सुंदर बना दिया ऐसा सुंदर मानो कि इंद्राणी ब्रह्माणी कोई हो और वो चली मथुरा से गोकुल की ओर श्री कृष्ण सबके अंदर बैठे हुए तो पूतना के अंदर भी बैठे हैं और जान रहे हैं कि पूतना आ रही है मुझे मारने के लिए तो पूतना ने स्ट्रैटेजी अपनाई के अपने स्तन पर विष लगाया कि हम बच्चे को स्तन पान कराए तो श्री कृष्ण ने सोचा अगर ये तमाम घरों में चली गई मेरे ग्वाल बाल जो आगे मेरे सखा बनेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी तो इसको मुझे स्वयं निपटना पड़ेगा इसलिए श्री कृष्ण ने अंदर से पूतना के चाबी घुमा दी तो पूतना ने मारने का क्रम नंद बाबा के घर से ही प्रारंभ किया वो पहुंची अब नंद बाबा तो गए हुए हैं यशोदा व्यस्त थी कुछ सखियां इधर उधर थी और श्री कृष्ण वो पांच दिन के पालने में लेटे हुए थे उतना पहुंची उसने किसी से परमिशन नहीं लिया श्री कृष्ण को गोद में लेके अपना स्तन श्री कृष्ण के मुंह में डाला तो यशोदा घूम के देखी कोई अलौकिक देवी आई हुई यशोदा ने कुछ कहा नहीं अब श्री कृष्ण छोटे से जब पूतना का स्तन आया उनके मुख में उन्होंने आंख बंद कर दी तो श्री कृष्ण ने जो आंख बंद कर दी जिसका वर्णन शुकदेव जी ने किया और वेद व्यास जी ने पश्चात लिखा अब भागवत के टीकाकारों ने उसका अर्थ निकाला कि श्री कृष्ण ने आंख बंद क्यों की वल्लभाचार्य ने कुछ कहा श्रीधराचार्य ने कुछ कहा किसी ने कहा श्री कृष्ण ने आंख बंद कर दी कि लो ये क्या हुआ राक्षसों को मारने का क्रम एक महिला से प्रारंभ हुआ राम अवतार काल में भी ताड़का से ही शुरू हुआ था फिर स्टोरी रिपीट हो रही है एक आचार्य ने कहा है कि श्री कृष्ण आंख बंद किए क्योंकि ये तो अविद्या रूपी है पूतना अगर मैं आंख खोल दूंगा तो अविद्या भाग जाएगी और लीला नहीं हो पाएगी इसलिए आंख को बंद रखो किसी ने कहा है कि श्री कृष्ण आंख बंद इसलिए किए कि सोचने लगे इसके पूर्व जन्म के कोई पुण्य हो उसके आधार पर हम इसका उद्धार कर दें कृपालु जी महाराज का मत है कि श्री कृष्ण ने आंख बंद की और शंकर जी को बुला दी कि यहां तो विष लगा हुआ है और विष का पान तो आप करते हैं हाला हाल विष का आप समुद्र पी गए तो उमापति यहां आके विष पान कर दीजिए उसके बाद मात्र दूध रहेगा उसका पान हम करेंगे तो शंकर जी आके चले गए अब श्री कृष्ण ने पूतना के स्तन को कस के दबाया इतना कस के कि वो कष्ट से चिल्लाई और जो एकदम सुंदर रूप बना के आई थी वो सब बिगड़ गया वो अपने ओरिजिनल रूप राक्षसी रूप में पहुंच गई और उसका शरीर विशाल काय हो गया आकाश में उड़ने लगा राक्षसी थी और श्री कृष्ण उसके वक्ष पर अभी भी बैठे हुए वो पूतना चिल्लाती है सा मुंच मुंचा ते प्रभाषणी निष्पीड्यवृत्य नेत्रे चरणाऊ मुह मुह गात्रा क्षिपती रो रोद अरे छोड़ छोड़ अरे श्री कृष्ण उसके ऊपर बैठे हुए जा रहे हैं आकाश मार्ग तो यशोदा घबराई सब सखियां भागी श्री कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए तो पूतना जाके गिरी तो इतना बड़ा उसका शरीर कि कहीं कई कही वृक्ष नीचे में दब गए तो यशोदा पहुंची श्री कृष्ण को निकाला वहां से यशोदा को चिंता मेरे बेटे पर कोई बुरी नजर लग गई ये क्या हो गया गोमूत्र उस पर छिड़को और गाय की पूंछ से उसको साफ करो इत्यादि इत्यादि जो उसकी बुद्धि को समझ में आ रहा है तो यहां ब्रजवासियों ने कहा अब इसके शरीर का क्या करें तो उन्होंने काट काट के और लकड़ियां तो वहां थी क्योंकि वृक्ष ढह गए थे तो उन्हीं वृक्षों की चिताएं बनाई अनेक सारी और पूतना के शरीर के टुकड़ों को जलाया तो उतना का शरीर जो जला वो सुगंधी पूरे ब्रज में फैल गई और सुगंधी क्यों आई क्योंकि श्री कृष्ण उसका स्पर्श कर दिए भगवान वो पवित्र हो गया तो ये जो घटना हुई ये जन्म के छठे दिवस यानी पांच दिन के पश्चात हुई इसलिए आज भी उसी क्रम में बच्चे की छठी मनाई जाती है तो नंद बाबा टैक्स भर के वसुदेव जी से मिलने गए जेल में तो वसुदेव जी मिले तो सही किंतु वसुदेव जी जानते हैं कि मैंने तो लाला को वहां छोड़ा नंद बाबा नहीं जानते वसुदेव जी ने कहा कि अब आपको जल्दी जाना चाहिए मुझे आशंका है कोई आपत्ति ब्रज में आ सकती है आप यहां पर वेट मत कीजिए नंद बाबा जब वापस आ रहे थे उनको सुगंधी आई उन्होंने कहा ये ब्रजवासियों ने कौन सी अगरबत्ती जला दी है तो पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांस स्तनम दत्वाप सद हे बढ़िया श्लोक सुकदेव कहते हैं कि पूतना भगवान के लोक चली गई तो भगवान जिस राक्षसी को मारते बाद में लोगों ने ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया श्री कृष्ण से भविष्य में कि महाराज आप जानते थे पूतना आपको मारने के लिए गलत मंशा से आई थी आपने जब उसका वध किया आप उसको अपना लोक कैसे प्रदान कर दी श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा कि मैंने तो उसका दूध पी लिया अब तो वो मेरी मां हो गई अपनी मां को यदि मैं नरक भेजूंगा लोग कहेंगे वहा साहब ये क्या क्रूरता है इसलिए विवश होकर मुझे पूतना को गोलोक ही भेजना पड़ा ऐसे दयालु स्वामी वो श्री कृष्ण कुछ दिन और बीते तो गर्ग आचार्य को वसुदेव जी ने भेजा कि जाइए वो दो बालक हैं ब्रज में उनका नामकरण कर दीजिए तो गर्ग आचार्य अब पहुंचे गोकुल नंद बाबा के भवन में तो नंद बाबा ने प्रार्थना की कि महाराज हमारे यहां पर दो बालक हैं यशोदा नंदन और रोहिणी नंदन तो आप कृपया उनको नाम दे दीजिए आप इतने बड़े ज्ञानी यहां पर आए हैं गर्ग आचार्य ने कहा मैं तो वृष्णि वंश का पुरोहित हूं अगर मैं तुम्हारे बच्चों को नाम दूंगा तो लोगों को डाउट हो जाएगा कि ये तुम्हारा पुत्र है ही नहीं नंद बाबा ने कहा तो मेरा पुत्र है प्रमाणिक यशोदा ने देखा जैसे वो पैदा हुआ फिर भी आप एक काम कीजिए आप गोशाला में चली तो ले गए गौशाला में और दोनों को कहा रोहिणी और यशोदा को कि अपने बालकों को लाओ अब बलराम जी के लिए बड़े भाई के लिए उन्होंने कहा कि जब देवकी के गर्भ से इनको खींच के रोहिणी के गर्भ में रख दिया गया इसलिए इनका नाम है संकर्षण एवं ये भक्तों को आनंद प्रदान करेंगे इसलिए नाम होगा राम और ये बल की खान होंगे क्योंकि वे तो अनंत शेष के ही स्वरूप हैं इसलिए हम इनको नाम दे रहे हैं बलराम और ये दूसरा बालक जब वे श्री कृष्ण को गोद में लिए तो कहते हम नाम करणाय समागतो हम मैं तो इस बालक को नाम देने की मंशा से आया हूं आलोपितम पुनरने ने नई लेकिन इसको देखकर इतना आह्लादित हो रहा हूं कि मैं अपना ही नाम भूल गया समाधि में चले गए तो वो गर्गाचार्य कहते हैं हरती योगी नाम परमहंसा नाम चेतांसी करशति योगी नाम परमहंसा नाम इति कृष्ण ये इतने सुंदर होंगे इनके रोम रोम पर अनंत कोटि कामदेव न्योछावर किए जा सकेंगे और इनके ऐसे गुण होंगे कि बड़े बड़े योगी जो समाधि में है उनके चित्त को ये खींच लेंगे इसलिए हम इनको नाम देते हैं कृष्ण बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की अब श्री कृष्ण बड़े हो रहे हैं यशोदा को ये बोध नहीं है कि ये भगवान है वो तो इतना ही जानती है कि ये तो मेरा लाला है तो श्री कृष्ण जब छे मास के हुए परंपरा अनुसार प्रथम बार उनको घर से बाहर ले जाया गया वहां पर लगभग उसी समय कंस ने अपने एक और सेवक शकटासुर को कमीशन किया तुम जाओ और पता लगाओ मारो तो श्री कृष्ण को यशोदा एक शकट पर रख दी उत्सव मनाया जा रहा था प्रथम बार बहिर्निष्क्रमण उत्सव तो ब्रजवासी लोग अपने नंदनंदन का उत्सव मना रहे थे यहां शकटासुर वहां पर उसी शकट में आकर बैठ गया कि इस बालक को मारे श्री कृष्ण ने कहा हमारे मामा जी कैसे कैसे प्राणी भेजते जा रहे हैं तो आसपास में कोई था ही नहीं श्री कृष्ण ने लात मारी वो पूरा शकट उल्टा और शकटासुर का वहीं पर देहांत हो गया तो यशोदा फिर से भागी भागी आई भाई ये हो क्या रहा है फिर से गड़बड़ हो गई किसकी बुरी नजर है मेरे लाला के ऊपर तो श्री कृष्ण चंद्र लीला पुरुषोत्तम है भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने आचरण में सांसारिक धर्म का पालन किया वो नर लीला किए यानी मनुष्य के समान एक्टिंग किए किंतु श्री कृष्ण ने कभी ऐसी एक्टिंग नहीं की छिपाया नहीं कि मैं भगवान हूं एक राक्षस को ऐसे मारा एक को ऐसे मारा कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है विभीषण से है, कि यह मरेगा कैसे तो लीला पुरुषोत्तम बस शकटासुर वहां पर मरा अब और मास बीते तो श्री कृष्ण अपने घुटनों पर और पैरों पर चलते हैं यशोदा उनको यहां रखती है तो चल के वहां चले जाते अरे कहा गया मेरा लाला पकड़ के लाई और फिर अपनी रसोई बनाने लगी वो यहां पर चले जाते हैं तो एक दिन यशोदा अपने लाला को बाहर ले गई यहां पर कंस ने और राक्षस भेजा त्रिणावत तो त्रिणावत बवंडर बन के आया तो यशोदा अपने लाला को उठाए हुए थी जब श्री कृष्ण ने देखा एक बवंडर आ रहा है उनने कहा मामा जी बढ़िया बढ़िया खिलौने लट्टू इत्यादि भेजते जाते हैं तो श्री कृष्ण ने कहा मैया के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि उसका सामना कर सके मुझे ही उसकी टक्कर लेनी पड़ेगी वे अपना वजन बढ़ाने लग गए जब यशोदा ने कहा मेरा लाला आज इतना भारी हो गया है जो लाला को विवश होकर नीचे जमीन पर रख अब त्रिनावर्त को अवसर मिला वो आके और उठा के आकाश में ले गया जब ऊपर उठा तो श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन पकड़ ली और भारी होते होते उसको नीचे लाके और उसके भी प्राण हर लिए ये वध तब हुआ जब श्री कृष्ण की आयु हमारे मृत्यु लोक में एक वर्ष की थी पश्चात वे डेढ़ वर्ष के हुए तो वहां से उनकी माखन चोरी की लीला प्रारंभ हुई सुखदेव जी कहते हैं कि माखन चोरी का क्रम उन्होंने अपने ही मां के घर से शुरू कर दी अब यशोदा नारायण की पूजा करने गई यशोदा के मन में किंचित नहीं है कि ये भगवान है तो नारायण की भक्ति करती है कि हे नारायण मेरे बच्चे की देखभाल करना ये उसका कोमल वात्सल्य भाव ऐसा ही भाव कौशल्या का था पूजी ग्राम देवी सुर नागा कहे बहुरी देन बली भागा जे ही विधि होय राम कल्याणु हे दया कर वरदानु दानु कौशल्या ठकुरानी से प्रार्थना करती है मेरे राम का कल्याण हो तो ग्राम ठकुरानी को जो भी शक्ति मिलती है भगवान से ही मिलती अब ग्राम ठकुरानी से हम भगवान की कुशलता की प्रार्थना करें लेकिन ये कौशल्या का वात्सल्य भाव ऐसे ही यशोदा भी कहती नित्य मुसते सखी मया तेनात्रीता क्षण शंके पूतनिका दया क्षतिह तौ सखियो तुम लोग नारायण की भक्ति करती हो ना मैं भी नारायण की भक्ति करती तो नारायण की ही कृपा से आशीर्वाद से मेरा लाला पूथना से बच गया उसके बस की बात नहीं है तो वो पूजा घर में गई यहां पर श्री कृष्ण उस कोठरे में पहुंच गए जहां पर मक्खन पड़ा हुआ था और वो मक्खन खाने लगे तो उनको अपनी परछाई खंबे में दिखी प्रतिबिंब स्वरूप यानी नंद बाबा के खम्बों में मणि इत्यादि जड़ित थे तो उनको वहां पर परछाई दिखी, तो छोटे से बाल गोपाल ने सोचा कि यहां पर मैया ने कोई पहरेदार रख दिया उन्होंने कहा है तो मैया को मत बनाना वरना मेरी पिटाई करेगी देख मैं भी खाता हूं तू भी खा ले और वो मक्खन लेकर खंबे पर लगाने लगे वो तो मक्खन नीचे टपकने लगा तो श्री कृष्ण ने कहा क्या बात मक्खन अच्छा नहीं लगता मैया तो बहुत बढ़िया बनाती अब मैया ने कहा कि ये आवाजें कहां से आ रही है घर में कौन घुस गया है बाहर आकर देखा तो पाया कि लाला अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहा है उसको मक्खन दे रहा श्री कृष्ण ने देखा मैया तो आई अरे मैया देख घर में चोर घुस गया मैया ने कहा तूने उसको मना नहीं किया, किया तो था मैया वो मानता ही नहीं मैया कहती है लाला ऊत का पंग पालने में दिख जाए जो बेटे का स्वरूप होता है ना बच्चे का वो पालने में ही पता चल जाता है अभी तू बात बनाने में इतना एक्सपर्ट है आगे जाकर क्या होगा तो सुखदेव जी कहते हैं कि वो चोरी का क्रम मात्र घर में नहीं हुआ अब ब्रज में तमाम गोपियां थी इनके अंदर सहज भक्ति भाव था वो बहाना बना के आती थी नंद बाबा के यहां कि नंदलाल के दर्शन हो जाए आपस में चर्चा करती थी अरे नंद नंदन तो ऐसा है उसके ऐसे गुण हैं तुमने वो यशोदा नंदन की ऐसी बात सुनी है तो वो मन ही मन सोचती थी कि श्याम सुंदर आज मेरे घर आए और ये सोचकर वो दही मतती थी कृष्ण 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 तो श्री कृष्ण अंतर्यामी सब गोपियों के अंदर बैठे हुए वो जानते हैं ठीक है ठीक है, है मैं जानता हूं मैं आ रहा हूं अब जगह जगह श्री कृष्ण आकर मक्खन खाने लगे क्योंकि गोपियों की वो ही कामना थी तो ये चर्चा ब्रज में फैल गई माखन चोर की तो हम लोग प्रश्न करते क्यों श्री कृष्ण आपने वेद में धर्म बताया और आपने धर्म में बताया सत्यम वद धर्म चर न प्रमदितव्यम चोरी नहीं करनी चाहिए और आप स्वयं जाकर माखन की चोरी करते हैं। आप स्वयं तो धर्म का पालन नहीं करते श्री कृष्ण कहते हैं भोले लोगों ऐसा प्रश्न मत करो देखो एक विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के नियम का पालन करता लेकिन जब ग्रेजुएट बन गया अब प्रोफेसर कहे तुम यूनिवर्सिटी नहीं आते तुम्हारा अटेंडेंस नहीं है परीक्षा में नहीं बैठ सकते वो कहेगा मैं यूनिवर्सिटी पास कर चुका हूं इसी प्रकार से ये धर्म हम मायाधीन जीवों के लिए है ताकि हम उसके माध्यम से माया से परे हो सके और जो माया से परे वाले भगवान है वो धर्म से भी परे यानी हमारे संसारी नियम भगवान पर लागू नहीं होते धर्मा धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र क्रिता, क्योंकि भगवान जो करते हैं जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं वो माखन की चोरी भी भक्तवत्सल भक्तों को प्रेम देने के लिए ही कर रहे हैं तो जब उत्पात बहुत बढ़ गया अब एक बहु वो मथुरा से आई हुई थी उसने अपनी सास से कहा कि सासो जी आप ऐसी भोली भाली हो आप माखन चोर को पकड़ नहीं पाती आप जाके पड़ोसी के घर में बैठिए मैं उसको पकड़ूंगी तो सास ने कहा बहू तू चतुर चलाक है बड़े शहर मथुरा से आई है मैं तो गांव की भोली भाली तो तू उसको पकड़ना वो गई अब वो बहू ने माखन निकाला रखा वहां पर कृष्ण आ जाए कृष्ण आ जाए कृष्ण आ जाए और जाके फर्नीचर के पीछे छिप गई श्री कृष्ण ने नोट कर दिया हा 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 ठीक है ठीक है मैं आ रहा हूं यहां पर पहुंचे बाल गोपाल को कोई देख रहा है नहीं कोई देख रहा है नहीं तो अपने हाथ डाले माखन के घड़े में और खाने लग गए तो पीछे से गोपी आई पकड़ लिया श्री कृष्ण ने कहा छोड़ दे छोड़ दे मैं माफी मांगता हूं दोबारा कभी नहीं चोरी करूंगा मैं तेरी कसम खा के कहता हूं तेरे पति की कसम खा के कहता हूं गोपी ने कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी तेरी अशोदा मैया हर बार कहती है कि पकड़ के लाओ तब माने मुख पर मक्खन लगा हो हाथ पर मक्खन लगा हो अब हम तुझे ले चलेंगे तो श्री कृष्ण ने कहा ऐसी बात है तो चलो गोपी ने कहा चलो तो गोपी ने घूंघट कर लिया ये ब्रज जो है राजस्थान से टचिंग है तो राजस्थान में आज भी प्रथा है घूंघट की तो गोपी बाहर आई उसने घूंघट कर लिया और श्री कृष्ण को पकड़ा साइड में चलो श्री कृष्ण गोपी के साथ चल रहे हैं गोपी साढ़े पांच फुट की श्री कृष्ण डेढ़ फुट के रास्ते में एक सखा मिल गया सखा ने कहा कन्हैया तू तो बड़ी डींग मारता था कि कोई मुझे पकड़ नहीं सकता अब क्या हो गया श्री कृष्ण ने कहा आगे आगे चल के देख क्या हो गया तो सखा साथ साथ चलने लगा अब ये बातचीत घूंघट के बाहर हो रही थी तो गोपी मस्त है उसने भगवान के हाथ को पकड़ा हुआ है उसको ध्यान ही नहीं बातचीत क्या हो रही जैसे वे नंद बाबा के महल के गेट तक पहुंचे श्री कृष्ण हल्ला करने लगे अरे तू तो कितनी निष्ठुर है कैसी निर्दयी है मेरे हाथ को इतना कष्ट हो रहा गोपी ने कहा अगर इतना कष्ट हो रहा है तो दूसरा हाथ पकड़ा दे श्री कृष्ण ने सखा का हाथ पकड़ा दी और भाग के अंदर चले गए यशोदा आंगन में बैठी थी उसके गोद में फुदक करके आ गए गोपी अंदर पहुंची नंद रानी तू कहती थी ना कि अपने लाला को पकड़ के लाओ देख इसके मुख पर भी मक्खन लगा है और इसके हाथ पर भी मक्खन लगा यशोदा ने कहा अरे फुहड़ किसको पकड़ के ले आई है तेरे लाला को लाई और किसको लाई तो घूंघट खोल के देख अरे ये कहां से आ गया ये तो मेरा देवर है श्री कृष्ण ने कहा मैया इसका बिल्कुल भरोसा मत कर आज अपने छोटे देवर को ले आई कल अपने जेठ को ले आएगी परसों पतिदेव को ही ले आएगी गोपी ने कहा मैं तेरे लाला को लाई थी ये बीच में प्रकट कहां से हो गया तो ये बात भी फैल गई कि यहां पर लोग बड़े मायावी हैं वो बीच में ही प्रकट होते रहते हैं एक दूसरे बहू के हृदय में स्फूर्णा हुई कि हम पकड़ेंगे नंदलाल को उसने अपनी सासों से कहा सासो जी मैं उसको पकड़ूंगी लेकिन नंद बाबा के यहां नहीं ले जाऊंगी क्योंकि लोग बीच में प्रकट होते रहते मैं उसको रस्सी से बांध दूंगी आप घर खाली करके बैठ जाइए वहां पर सास ने कहा ठीक है बहू अब तू ट्राई कर तो सास दूसरे घर में जाकर बैठ गई ये बहू ने भी मक्खन घड़े में रखा और ध्यान करने लग गई शाम सुंदर आ जाए शाम सुंदर आ जाए वो कुर्सी के पीछे बैठी हुई है शाम सुंदर ने कहा हमने नोट कर लिया आ रहे हैं अब श्री कृष्ण पहुंचे कोई है कोई भी नहीं है खाने लग गए तो गोपी आई पीछे से हा पकड़ लिया तो फिर से श्री कृष्ण छोड़ दे छोड़ दे गलती हो गई मैं क्षमा मांगता हूं तेरी कसम लेता हूं तेरे पति की कसम लेता हूं गोपी ने कहा लाला अब तुझे नहीं छोड़ने वाले मैं तुझे यशोदा के पास नहीं ले जाऊंगी क्योंकि लोग बीच में प्रकट हो जाते हैं मैं तुझे रस्सी से बांध के सास को पकड़ा दूंगी तो श्री कृष्ण ने कहा देख मेरे भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं गोपी ने कहा कैसे नहीं लिखा है तो श्री कृष्ण ने कहा फिर बांध के देख गोपी ने कहा हाथ को रख खंभे पे श्री कृष्ण ने रख दिया अब छोटे से श्री कृष्ण गोपी रस्सी लाई और श्री कृष्ण के कोमल हस्त कमल को देखा तो हृदय द्रवित हो गया मैं कैसे बांधू मेरी सास ने इतना कठिन कार्य दे दिया सास ने जरा सोचा भी नहीं इसको कष्ट कैसे होगा दस मिनट बीत गए श्री कृष्ण ने कहा क्यों बांधना नहीं आता अरे कन्हैया तू ही मुझे सिखा दे हा हा मैं तो सिखाने के लिए ही ब्रज में आया हूं तो एक काम कर अपना हाथ रख बैठ जा और हाथ रख यहां पे। गोपी ने हाथ रखा तो श्री कृष्ण ने रस्सी दी। देख ये एक लपेटा ये दूसरा लपेटा ये तीसरा लपेटा ये एक गांठ ये दूसरी गांठ ये गुड़ गांठ गोपी ने कहा कन्हैया तू बहुत बढ़िया सिखाता है अब इसको खोल के दिखा श्री कृष्ण ने कहा थोड़ी प्यास लगी है पसीना आ गया पानी वानी पी के आता हूं वो गोपी को बांध के चले गए अब दो घंटे के बाद ने का मामला क्या है और वापस पहुंच कर देखा तो उसकी बहू खंबे से बंधी हुई तो सब्रजवासियों ने कहा ये तो अति हो गई उन्होंने एक टोली बनाई गोपियों ने और वे पहुंची नंद भवन तो यशोदा ने देखा कि गोपियां आ गई हैं अब वो ब्रज की रानी है तो अपना मुकुट सिर पर रखकर और आके बैठ गई आसन पर गोपियों ने कहा नंद रानी इस ब्रज में या तो तेरा लाला रहेगा या हम रहेंगे यशोदा ने कहा मामला क्या है मामला क्या है तू पूछती है इतना ऊधम मचाता है हम जब गायों को चरा के वापस लाते हैं और उनको बांधने लगते हैं ये आके उनको खोल देता है सब भाग जाती हैं फिर से यशोदा ने कहा अगर बच्चा गड़बड़ करे उसको डांट दो तो। गोपियों ने कहा हम उसको डांटते हैं लेकिन वो खड़े होकर मुस्कुराने लग जाता ही तो उसकी मुस्कान में पता नहीं क्या जादू है हम भी मुस्कुराने लग जाते हैं यशोदा ने कहा फिर तुम ही लोग तो उसको बिगाड़ते हो पहले बच्चे को डांटो फिर हंसने लग जाओ बच्चे को तो लिफ्ट मिलेगी अरे यशोदा तेरे लाला को एक बहुत बुरी आदत पड़ गई है कौन सी बुरी आदत वो चोरी करने लग गया है चोरी करने लगा देख मेरे महल में कोई रोटी चावल की कमी है कि तेरे यहां से चोरी करने आएगा नहीं मैया उसका मन एक बहुत बढ़िया चीज में अटक गया है माखन में यशोदा ने कहा देखो वो आता है उसको थोड़ा माखन खिला दो वो चोरी नहीं करेगा मैया हम तो उसको खिलाना चाहते हैं लेकिन उसको ऐसे वैसे माखन अच्छा लगता ही नहीं है उसको चोरी का ही माखन अच्छा लगता तो यशोदा ने कहा चलो देखो ऐसे करते हैं वो जितना चोरी करता है तुम नोट करके ले आया करो मेरे पास हिसाब मैं उसको रिप्लेनिश कर दिया करूंगी नहीं मैया उसने में भी वो संतुष्ट नहीं होता है जो घड़ा है उसको फोड़ के चला जाता जो गोपाल होता है जो माखन रखता है उसके अपने घड़े को इंपॉर्टेंस रहता है कि ये घड़ा एक दो केजी माखन चूस के तो उसमें चिकनाहट आती है और ये घड़े को तोड़कर चला जाता ये यशोदा ने कहा एक काम करो फिर माखन को छत से लटका दिया करो गोपियों ने कहा हमने वो भी ट्राई किया ये अपने सखाओं को लेकर एक के ऊपर एक चढ़ जाते और शांति लेके छेद बना देता और इतना बड़ा छेद भी नहीं कि सब एक साथ नीचे आ जाए इतना पतला भी नहीं कि तरसते जाए वो ठीक धार में आता जाता है सब लोग खा लेते यशोदा ने कहा फिर एक काम करो उसको माखन के बजाय वहां खट्टी छाछ भर दो अरे मैया हम वो भी ट्राई किए लेकिन वो देख कर बोल देता है सघाओ इसमें माखन नहीं है पता नहीं तेरा लाला अंतर्यामी है कि क्या बला है यशोदा ने कहा एक काम करो घर को बिल्कुल खाली कर दो माखन को दूसरी जगह रख दो मैया हमने वो भी ट्राई किया लेकिन जब वो देखता है घर में कुछ नहीं है वो कहता है भाइयों ये तो सुदामा की कुटिया बनी हुई है तो जब घर खाली है तो कुटिया की क्या आवश्यकता है इसको भी जला दो यशोदा ने का एक काम और ट्राई करो पूरा अंधेरा कर दो उसको कुछ दिखेगा ही नहीं मैया हमने वो प्रयत्न भी कर दिया लेकिन उसने जो तमाम हीरे ज्वाहरात पहने हैं पद्मराग आदि मणि उसमें से जो लाइट निकलती है फिर से प्रकाश हो जाता यशोदा ने कहा तो ठीक है हम सब हीरे ज्वारात उतार देते अब गोपियों ने कहा नहीं, नहीं 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 मैया ऐसा मत करना उनका लक्ष्य फैक्ट में कंप्लेंट करना तो था ही नहीं उनका लक्ष्य तो यही था कि बहाना बना के आ जाए श्याम सुंदर के दर्शन के लिए तो यशोदा ने कहा मेरा लाला कितना भोला भाला लगता ये कैसे चोरी करेगा तुम लोग बात क्या करते हो गोपियों ने कहा मैया तुझे ये भोला भाला लगता हमको तो लगता है जितने भी चोरी के शास्त्र हैं विश्व में सब इसी ने लिखे हुए तो यशोदा ने कहा अब जैसा भी है तुम्हारा ही लाला है तुम लोगों ने प्रार्थना की थी कि भगवान को कि मेरे बेटा हो अब बुढ़ापे में हुआ है इसे स्वीकार करो गोपियां आशीर्वाद देकर और वहां से चली श्री कृष्ण अब दो वर्ष के हो गए हैं अभी गोकुल में ही हैं एक दिन यशोदा दही मंथन कर रही थी और दूसरे कमरे में अग्नि पर दूध पक रहा था जब नन्ने मुन्ने श्री कृष्ण पहुंचे दो वर्ष के और यशोदा की गोद में पहुंच गए अब यशोदा का वात्सल्य श्री कृष्ण यशोदा का पान करने लगे यशोदा स्नेह से प्लित होती जा रही है अचानक यशोदा की दृष्टि दूसरी तरफ गई वो दूध उबलकर नीचे गिरने लगा तो यशोदा ने श्री कृष्ण को छोड़ा जमीन पर और दूध को बचाने के लिए चली गई ये यशोदा से भी गलती हो गई दूध अगर गिर रहा है तो गिरने दो तुम्हारा अपने लाला से इतना प्रेम नहीं है क्या कि इसका सुख सर्वोपरि है तो श्री कृष्ण एक्टिंग में गुस्से हो गए इसका मतलब दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कम इंपॉर्टेंट हूं हमको भक्त को सदा जीवन में नंबर वन स्थान भगवान को देना चाहिए यशोदा ने यहां पर गलती कर दी दूध को नंबर वन कर दिया तो श्री कृष्ण एक्टिंग में क्रोधित होकर वहां पर सांटी थी उठा के सब घड़ों को फोड़ने लगे मान लो वहां पर कोई रण क्षेत्र बन गया हो ऐसा करके और मक्खन का घड़ा लेके बाहर चले बाहर स्वयं खाने लगे कुछ बंदर आए बंदरों को खिलाने लगे अब दूध को बचाकर जब यशोदा वापस आई उसने देखा अरे मेरे लाला ने क्या कर दिया तो यशोदा को गुस्सा आ गया उसने शांति ली और शांति को लेकर उसने कहा आज मैं अपने लाला को सबक सिखा के रहूंगी ये उसका वात्सल्य जो भगवान पूरे संसार को सबक सिखाते हैं ठीक करो गलत मत करो यशोदा सोचती है तो मेरा लाला है इसको बुरी आदत न पड़े उसकी जिम्मेदारी मेरी है तो उसी लीला को देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए थे नारद जी को पता चला कि भगवान का अवतार हुआ है और वे पहुंचे ब्रज तो ब्रज में उन्होंने पाया कि एक स्त्री खड़ी और एक दो साल का लड़का और वो लड़का स्त्री की गोद में जाने के लिए रो रहा उ, आंचल पकड़े हुए गोद में ले ले और स्त्री कह रही है हट परे अनोखा लाला मुझे अपने घर के काम काज करने नारद जी सोचने लगे इनमें ब्रह्म कौन सा है मैं ब्रह्म के दर्शन करने आया था कौन सा ब्रह्म है इनमें अरे भाई भगवान किसी की गोद में जाने के लिए रोए ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं तो नारद जी कहते हैं कति कति सुकृत क्षेत्रृंदा पूर्व गिगान कति कति सुकृता न्यर्जिताय वो कहते मैया यशोदा तूने क्या साधना की कि तुझे ये सीट मिली शंकर जी को ये अधिकार नहीं मिला न स्वयं ब्रह्मा जी को चांस नहीं मिला न चम मदन अरेपोर शंकर जी पीछे रह गए ब्रह्म भूमा विलपत क्रोड मारो दुकाम जो पूर्ण ब्रह्म है वे मैया की गोद में जाने के लिए रो रहे तो मैया के सामने श्याम सुंदर क्या पूर्ण ऐश्वर्य विलीन हो गया तो मैया सोचती है मुझे अब इसको सबक सिखाना होगा वो शांति लेकर चली श्री कृष्ण बंदरों को माखन खिला रहे थे घूम के देखे हरे मैया आ रही है तो माखन को छोड़कर भागे अब आगे आगे शाम सुंदर पीछे पीछे यशोदा यशोदा बड़ी है वो एक कदम लेती है श्री कृष्ण चार छोटे छोटे कदम लेते और देखते हैं कि यशोदा पकड़ रही है तो सडनली राइट घूम जाते हैं लेफ्ट घूम जाते हैं अब छोटे होने के कारण उनकी मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा जैसे साइकिल वर्सेस कार तो यशोदा पकड़ नहीं पाती लास्ट में श्री कृष्ण घूम के देखे यशोदा तो थक रही है। अब भगवान को कौन सा योगी या मुनि पकड़ेगा लेकिन भगवान ही अपने को पकड़वा दे तो बात अलग है श्री कृष्ण ने कहा हम तो यशोदा को सुख देने के लिए अवतार लेकर आए और उसको कष्ट मिल रहा है ऐसा ठीक नहीं है वे धीमे हो गए और यशोदा ने पकड़ लिया तो अब यशोदा ने शांति ली लाला तू दोबारा दु दु ऐसे करेगा उखल था वहां पर उखल के अगेंस्ट में श्री कृष्ण को खड़ा कर दिया और कहा मैं तुझे बांध के रखूंगी तो वो रस्सी मंगाई ये दामोदर लीला रस्सी को घुमाया तो पाया कि दो उंगली छोटी है मैया ने गोपियों को कहा एक और रस्सी जोड़ दो एक और रस्सी जोड़ी गई उसको घुमाया फिर भी दो उंगल छोटी अब सब ब्रज की रस्सियां लगाते जा रहे हैं सब छोटी ही पड़ती जा रही तो सुखदेव जी यहां पर कहते हैं परीक्षित को अंतर न बहिर्यस्य न पूर्व ना परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगचय यशोदा क्या बांधेगी इस लाला को न इसका कोई अंदर है न इसका कोई बाहर है न इसका कोई आदि है न इसका कोई अंत है किंतु ये सृष्टि के अंदर में भी है और सृष्टि भी इसके अंदर है यह सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा तो ये खबर पहुंची राधा रानी के पास कि नंद का बलाय है पता नहीं क्या है वो बंधता ही नहीं है राधा जी ने अपने वेड़ी से रेशम की डोरी ली जाओ यशोदा को दे दो इसमें बंध जाएगा उसको जोड़ा गया तो तब जाकर ठाकुर जी बंधे यहां पर कृपालू जी महाराज कहते हैं काहे खोजत ब्रह्म को श्रुति नरचन भर माय देखो तुम वेदों में भगवान को खोज रहे हो भरमा रहे हो नेति कुछ समझ में नहीं आ रहा हम बताएं एक ही जगह में भगवान मिल जाएगा कहा यशुमति कर ऊखल बंध्यो देख ब्रज महजाय यशोदा ने उसी ब्रह्म को उखल में बांध रखा है दाम मतलब रस्सी उधर मतलब पेट वो भगवान जिनके पेट को रस्सी से बांध दिया गया बोलिए दामोदर भगवान ने की अभी श्याम सुंदर उसी बंधी हुई अवस्था में थे यशोदा चली गई वापस तो वहां पर दो वृक्ष थे यमलार्जुन ये दो वृक्ष वास्तव में श्रापित देवता थे कुबेर के दो बेटे थे नल कुबेर और मणिग्रीव अब बड़े आदमी के बेटे आप लोग संसार में ही देखते हैं बिगड़ जाते हैं अधिक धन होने के कारण माता पिता सोचते हैं हम उनका लाभ कर रहे हैं सब संपत्ति बच्चे के लिए छोड़ दो और बच्चा उल्टा बिगड़ जाता इसलिए संपत्ति बच्चे के लिए छोड़ने के बजाय सत में लगानी चाहिए बच्चे को शिक्षा दे बच्चे को शिक्षा दे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो और अपना संसार बनाए जहां उसको पका पकाया मिल जाता है वहीं पर गड़बड़ शुरू हो जाती है तो कुबेर के बेटे अब वे नारद जी ने एक बार देखा ये दोनों महिलाओं के साथ खुले में तालाब में व्यभिचार में लगे थे नारद जी को इतना गुस्सा आया उन्होंने कहा ये धन के समान कोई बुद्धि को नष्ट करने वाली चीज नहीं है तो श्राप दे दिया कि तुम लोग इतना अपना शरीर दिखाना चाहते हो जाओ तो मृत्यु लोक में वृक्ष बन जाओ अपना शरीर दिखाओ वृक्ष बन के लेकिन संत श्राप भी देता है तो उसमें कल्याण निहित हो जाता है नारद ने कहा तुम्हारा कल्याण भगवान आके करेंगे अब भगवान ने देखा कि ये कब से प्रतीक्षारत है वे उखल को खींचते हुए दोनों वृक्षों के बीच में से ले गए दोनों वृक्ष धराशाही हुए जैसे वहां पर धराशाही हुए दो तेजस्वी पर्सनालिटी वहां प्रकट हुई दोनों यक्षपुत्र और श्री कृष्ण को प्रणाम करके नलकुवेर मनी मनी ग्रीव चले गए वहां पर यशोदा भागी भागी आई ये क्या हुआ ब्रजबासी भी भागे भागे आए आवाज क्या हुई किसी ने प्रत्यक्ष देखा था उसने कहा ये उखल को खींचते ले गया और ये वृक्ष ऐसे गिरे तो उस घटना के पश्चात नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों की मीटिंग बुलाई और कहा देखो यहां पर ज्यादा उत्पात हो रहा है गोकुल में अब हम लोगों का यहां रहना ठीक नहीं है यहां से दूर एक निकट में ही एक वन है वृंदावन हम लोग वहां जाके रहते हैं वहां खूब हरियाली है गायों को खाने को भी बहुत मिलेगा वो कृषि समाज था तो सब ने वो निर्णय को स्वीकार किया नंद बाबा और ब्रजवासी हम गोकुल से वृंदावन प्रस्थान करने जा रहे हैं हम लोग भी थोड़ा कीर्तन करके ये वृंदावन की लीला में प्रवेश करें जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे

No äh uh land, so कृष्ण तो है टेढ़े मेढ़े सीधी साधी राधे कृष्ण तो है प्यारे प्यारे उनसे प्यारी राधे उनसे प्यारी राधे उनसे प्यारी राधे जय राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण अब नंद गांव में रहते हैं जहां पर नंद बाबा ने अपना भवन बना लिया है ये कभी कभी वैसे तो अभी वे गोपाल नहीं बने हैं वो गोपाष्टमी के बाद बनेंगे लेकिन ऐसे बड़े लोग जाते हैं तो उनके साथ गायों को चराने चले जाते और वहां पर करते क्या है सखा लोग माटी में खेलते हैं तो सखा लोग बार बार आके यशोदा को कंप्लेंट करते थे मैया तेरे लाला ने आज भी माटी खाई तेरे लाला ने आज भी माटी खाई तो यशोदा ने कहा वो सखा लोग कहते हैं यशोदा तेरे लाला माटी खाई यशोदा तेरे लाला माटी खाई मेरे संग खेले नहीं दूर ही खेलन को जाए मेरे संग खेले नहीं दूर ही खेलन को जाए ब्रज की तरह टी में अकेलो ही चराएगा ब्रज की तरेटी में अकेलो ही चराए एक दिन में हुआ के ढिग ही में पहुंचो जाए एक दिन में हुआ के ढिग ही में पहुंचो जाए तो पुनी देखा लाला ढेले में से कोरी कोरी माटी खाए तो देखा लाला ढेले में से कोरी कोरी माटी खाए मैंने जब कहा कि तेरी मैया सो कहू गो जाए मैंने जब कहा कि तेरी मैया सो कहू गो जाए तो पुनी करत लड़ाई यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई तो ये सखा लोग कंप्लेंट करते हैं और यशोदा कहती है लाला सब लोग कहते हैं तू माटी खाता और तेरे बड़े भाई बलदाऊ भी यही कंप्लेंट करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैया इनकी बात पर बिल्कुल मत विश्वास कर मैं असली मामला बताता हूं क्या हुआ एक दिन श्री दामा ने छाछ मांगी एक घूंट मेरा जो सखा है श्री दामा एक दिन श्री दामा ने छाछ मांगी एक घूंट मैंने को दई नहीं या सो गयो मैया रूठ मैंने वाह को नही या सो गयो मैया रूठ या ही ते बनाई मेरी बात सब झूठ मूठ या ही ते बनाई मेरी बात सब झूठ मूठ मिले गो श्री मा तो मारूंगो मैं कूट कूट मिले गो श्री मा तो मारूंगो मैं कूट कूट झूठी आन लगाई यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई तो यशोदा ने कहा ऐसा बात तो अगर तूने माटी नहीं खाई है तो मुख खोल क्योंकि यदि माटी खाई होगी वो कहीं लगी होगी क्लियर हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण तो अब जब मैया ने कहा मुख खोल तो श्री कृष्ण ने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं था श्री कृष्ण ने ये तरकीब लगाई थी कि यदि मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल दूंगा मैंने तो माटी नहीं खाई तो यशोदा कहेगी भाई इसने नहीं खाई होगी इसलिए बोल रहा लेकिन यशोदा भी बड़ी अनुभवी है उसके बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, तो यशोदा कहती है लाला फिर मुख खोल के दिखा श्री कृष्ण ने कहा तो पकड़े गए अब क्या करें तो मैया सा ले रही है अब उसी दृश्य को कुंती देवी ने देखा और बाद में वो हस्तिनापुर में याद करती है कि महाराज क्या आपकी लीला जिस भगवान से यमराज भी डरता है भया दस्यास्तपति भया तपति सूर्य भया दिंद्रश्च वायुश्च मृत्यु पंचम आपके भय से ये काल इत्यादि सूर्य चंद्रमा गतिशील है आप एक बुढ़िया की शांति से डर रहे हैं इसी को कहते हैं लीला याद रखिए लीला की परिभाषा जब भगवान ऐश्वर्य को छिपा के और कार्य करते हैं संसार में उसको कहते हैं एक्टिंग भगवान जब एक्टिंग करते हैं ये लीला है यानी सर्वज्ञ राम को पता नहीं सीता कहां चली गई आनंदमय राम सीता के वियोग में रो रहे हैं ये क्या हो रहा है साहब ये लीला हो रही है तो वो लीला में भगवान आपको बताया था जान बूझ के अपने को भी भुला देते हैं ताकि उनको भी याद न रहे मैं एक्टिंग कर रहा हूं वरना तो न उनको रस मिलेगा और न भक्त को रस मिलेगा इनसे अरे ये तो एक्टिंग करते तो योग माया से वो वास्तविकता में उनको प्रतीति होती विशाल तो सुंदर ने कहा अब तो आज मेरी पिटाई होने जा रही है आंख बंद करके सोचने लगे मुख खोलू कि न खोलू खोलूंगा तो फिर पिटाई होगी माटी दिख जाएगी नहीं खोलूंगा तो कंफर्म हो जाएगा खाई है इसलिए नहीं खोलता तो श्री कृष्ण सोचने लगे वो पसीना छूट गया आंखों से आंसू आने लगे लास्ट में सोचा खोल ही देते तो मैया झांका झोंकी करेगी अगर उसकी आईसाइट कमजोर रही बाई चांस माटी नहीं दिखेगी हम बच जाएंगे तो मुख खुल गया आप जब ठाकुर जी का मुख खुला उनकी ऐश्वर्य शक्ति वहां पर पहुंच गई ये जो ऐश्वर्य शक्ति है भगवान का अनंत वैभव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवी भागवत पुराण में पराशर ऋषि ने परिभाषा दी है भगवान कौन है तो कहते हैं जो पर्सनालिटी षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है वो भगवान ऐश्वर्य धर्म से यशस श्रिय ज्ञान वैराग्योच्णाम भग इतीरणा जिसमें अनंत ज्ञान अनंत श्री अनंत यश अनंत वीर्य अनंत वैराग्य अनंत सौंदर्य ये षड ऐश्वर्य जिसमें अनंत मात्रा में हो उसको हम कहेंगे भगवान लेकिन बरज में भगवान ने वो ऐश्वर्य शक्ति को मना कर दिया था तुमको यहां नहीं आना ये हमारा मधुर स्वरूप है यहां पर हम भगवान नहीं ब्रजराज कुमार हैं ये ब्रजवासी ऐसा ही सोचते हैं हमारे प्रति उनकी ऐसी मधुर भक्ति है लेकिन वो ऐश्वर्य शक्ति चोरी चोरी सेवा करती सच्ची दासी वो चोरी चोरी सेवा करती है स्वामी ने निकाल दिया कोई बात नहीं हमें तो उनको सुख देना है तो जैसे श्री कृष्ण का मुख खुला ऐश्वर्य शक्ति ने कहा मेरे स्वामी की पिटाई होगी वो आ गई अंदर और यशोदा को अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए अब यशोदा चक्कर में पड़ गई कि अपने लाला के मुख के अंदर ये क्या देख रही हूं सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और पृथ्वी में यशोदा और कृष्ण को भी देख रही तो यशोदा को चक्कर आने लगा ये है क्या अब वो गिरने मूर्छा आने जा रही थी और श्री कृष्ण का मुख खुला है कि पता नहीं डंडा कहाँ पड़ेगा इधर पड़ेगा उधर पड़ेगा कितने डंडे पड़ेंगे वो डंडा पड़ा ही नहीं तो श्री कृष्ण ने कहा कहीं बच तो नहीं गए आंख खोली देखा यशोदा की हालत तो सीरियस है श्री कृष्ण ने ध्यान किया क्या हुआ ऐश्वर्य शक्ति आई ए मैंने मना किया था तुझे वो अपना काम करके चली गई श्री कृष्ण ने कहा यशोदा मुझे बेटा कैसे मानेगी तो वैष्णवी मायाम पुत्र स्नेह विभु। विभो अब योग माया से मैया को भुला दिया हाथ लगाया या कहती है मैं पहले क्या देख रही थी अब क्या देख रही अरे नहीं नहीं मेरे लाला के मुख में अनंत ब्रह्मांड कहा हैं वो तो मुझे आजकल थोड़ा बीपी ब्लड प्रेशर रहता है चक्कर वक्कर आ गया होगा अर्थात अपनी योग माया से भगवान फिर अपने भक्त को भुला दिए वो भक्त यशोदा इतना ही सोचती है ये तो मेरा बेटा है वहा कंस और राक्षसों को भेजता जा रहा है तो एक आया अघासुर अघासुर ने अपने शरीर को अजगर के जैसा बना दिया और मुख को यू बड़ा खोल दिया सखा लोग गायों के साथ आ रहे थे और उसको देखने लगे ये नई गुफा कैसी है उसके मुख को देखकर कहते हैं और गुफा में कभी कभी पत्थर नीचे जाते हैं कभी ऊपर जाते हैं तो ये दांतों को उसके समान सोच रहे हैं तो सब सखा लोग उस अजगर के पेट में प्रवेश कर गए श्री कृष्ण भी गए साथ में और उसके पेट को काटकर वहां पर श्री कृष्ण ने अगासुर का वध किया तो सुखदेव जी कहते हैं कि अघासुर की बात सखाओ ने एक वर्ष के बाद जाकर अपनी मैया को बताया तो एक वर्ष के बाद क्यों कारण क्या बना कारण ये बना कि श्री कृष्ण सखाओं के साथ खेल रहे थे तो ब्रह्मा जी आए नारद जी ने जाकर ब्रह्मा जी को बताया कि महाराज आपके ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आए तो आपको जाके अभिनंदन करना चाहिए जैसे मान लो राजा एक छोटे नगर में जाता है या मान लो गवर्नर आता है एक जिले में तो कलेक्टर जाता है अभिनंदन करने के लिए ऐसी आप एक ब्रह्मांड के नायक हैं वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, तो आपको जाके अभिनंदन तो करना चाहिए ब्रह्मा जी ने कहा, कहा हुआ है अवतार नारद ने कहा ब्रज में ब्रह्मा जी ने मन ही मन संकल्प किया मैं भी भगवान की लीला का दर्शन करना चाहता हूं ये जो ब्रह्मा जी ने संकल्प किया मैं लीला का दर्शन करना चाहता हूं श्री कृष्ण नोट कर लिए उन्होंने कहा हम आपको लीला ही दिखाएंगे अब नारद और ब्रह्मा पहुंचे ब्रज में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे उनका जूठा लेके खा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने कहा नारद बेटा इन छोकरों में ब्रह्म कौन सा है तो एक भी ब्रह्म स्वरूप नहीं दिख रहा नारद ने कहा पिताजी वो जो नीले रंग का है ना इसके सिर पे मोर पंख लगा हुआ है ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान है ये तो अहीर के छोकरों का जोठा खा रहा अरे भाई ब्राह्मणों का ही जूठा खा ले तो कहे मई गो ब्राह्मण्य हेता अब ये कैसा भगवान है भगवान लीला लीला दिखा रहे हैं अपनी भक्तवत्सल नारद ने कहा पिताजी मैंने आपको सूचना दे दी आपको मानना है नहीं मानना आपकी इच्छा नारद वहां से प्रस्थान कर दिए तो ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे कि ठीक है एक परीक्षा लेते भगवान है तो आउट हो जाएगा ब्रह्मा जी सब ग्वाल बाल और गाय के बछड़ों को गायब करके और सुमेरु पर्वत की कंदरा में बंद कर दी मूर्त अवस्था में यह भगवान है तो जान जाएगा नहीं है तो रोने लगेगा अरे ग्वाल बाल कहा गए मेरे गाय के बछड़े कहां गए जब ब्रह्मा जी ने ऐसा किया श्री कृष्ण ने कहा अच्छा घर का मेन स्विच पावर हाउस को चैलेंज कर रहा मेरी शक्ति से ये ब्रह्मा बना और मुझे चैलेंज कर रहा तो श्री कृष्ण पहुंच गए ब्रह्मलोक लोक अपने शरीर को ब्रह्मा के जैसा बना दिया और बैठ गए ब्रह्मा जी के आसन पर द्वारपाल को बुलाए इधर आओ अभी एक नकली ब्रह्मा आने जा रहा है तुम उसको एंट्री मत देना द्वारपाल ने कहा कि नकली सामान तो मृत्यु लोक में बनता लोक बनाते हैं ना नकली माल अब ये ब्रह्मा भी नकली बनने लग गए चलो कोई बात नहीं हम बिल्कुल उसको फटकार के भगा देंगे यहां पर ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को छिपाकर सोचे कि जरा अपने लोक में जाके दो तीन फाइलों को हम निपट लें फिर आएंगे जब ब्रह्म पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक दिया खबरदार कहा जाते हो ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या हो रहा क्या हम यहां के राजा और द्वारपाल रोक रहा क्या यहां पे मिलिट्री शासन लागू हो गया जैसे हमारे जो पड़ोसी देश है ना दोनों में बीच बीच में होता रहता वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रात को सोए और रातों रात मिलिट्री का जनरल दोनों को आउट करके और स्वयं शासन ले लेता तो ब्रह्मा जी ने कहा यहां पर कोई ऐसा मिलिट्री राज्य हो गया तो विचार किया वो जो नारद कह रहे थे भगवान का अवतार हुआ है वो ही कुछ मामला होगा अब भागे भागे गए ब्रज तो जब पहुंचे अब श्री कृष्ण ने जितने ग्वाल बाल थे जितने गाय के बछड़े थे सब का स्वरूप स्वयं धारण कर लिया था और जैसे सब कार्य होते रहते थे वैसे करते चले जा रहे थे यानी वो बच्चा जैसे घर जाके माता जी कहता था वैसे श्री कृष्ण बच्चा बन के कह रहे माता जी अब कोई अन्य हो वो समझ नहीं पाएगा भाई ये माता जी कहता है कि मम्मी कहता है कि मां कहता है, मां कहता है। कुछ गलत बोल दिया तो माँ कहेगी आज तक तो मम्मी कहता था आज माता श्री क्यों बोलता है लेकिन भगवान अंतर्यामी सब जानने वाले किसी को पता ही नहीं चला यहां तक कि माताओं का स्नेह अपने बच्चों के प्रति बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि अब भगवान बच्चे बने हुए और गायों के स्तन में दूध बहता जाता है क्योंकि भगवान बछड़े बन गए तो एक जब तक ब्रह्मा जी पहुंचे मृत्यु लोक के समय के अनुसार एक वर्ष बीत चुका था अब वो ब्रह्मा जी आए तो देखा कि पहले के समान श्री कृष्ण सखाओं के साथ बैठ के और खेल खेल रहे हैं भोजन कर रहे हैं ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या भागे भागे गए सुमेरु पर्वत सब ग्वालबाल बछड़े वहां पर मूर्छित पड़े थे तब ब्रह्मा जी का माथा ठनका उन्होंने कहा यह तो सुप्रीम पावन आ गई फिर भागे भागे आए अब की बार श्री कृष्ण ने उनको चमत्कृत कर दिया जितने ग्वाल बाल थे गाय के बछड़े थे सब से उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन कराए तो ब्रह्मा जी वहां जाके उनको प्रणाम किए वो कहते हैं अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप जाऊ कसाम यम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम महाराज मैं इन सखाओं के भाग्य का क्या वर्णन करूं लोग मुझे भाग्य विधाता बोलते हैं भाग्य को लिखने वाला लेकिन इनके भाग्य के बारे में बात ही क्या करूं जो पूर्ण ब्रह्म है वो उनके दोस्त बन गए हैं घनिष्ठ मित्र तो ब्रह्मा जी भागवत में प्रार्थना करते हैं। तदस्तु मेनाथस भूरी भागो भवेत्रा तिश्चाम ये ना हमे कवजनाषे तव पाद पल्लव महाराज अगले में मुझे ब्रह्मा मत बनाना मानव शरीर भी मत देना आपका ये जो ब्रज मंडल है इसमें मुझे एक लता पता बना देना ताकि ये जो आपके मित्र लोग हैं जो आपके प्रेम में तन्मय हैं, मैं उनकी पद रज को प्राप्त करूं और मेरा अंतकरण भी उस प्रेम का अधिकारी बने जो इन सब के पास है तो इसके बाद आती है कालिया का प्रसंग कालिया एक ऐसा सर्प था जो अत्यंत शक्तिशाली था और वो यमुना जी में रहता था नाग पत्नियां थी उसके पास तो ऐसा जहरीला था कि आसपास का वायुमंडल विष से दूषित हो चुका था एक बार श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गेंद खेलते हुए यमुना तट पहुंचे तो विष की सुगंधी ने कुछ सखाओं को मूर्छित कर डाला श्री कृष्ण ने विचार किया ये मामला क्या है ठीक है फिर अब कालिया का समय आ गया है वे गेंद को लेकर यमुना में फेंकें। और उसको पकड़ने के लिए कूद गए जब यमुना जी में आए तो पानी को मथने लगे उस समय कालिया नदी के नीचे था उसने कहा मेरे घर को कौन इस प्रकार से हिला रहा है वो ऊपर आया और उसने श्री कृष्ण को बांध दिया और बांध के नीचे खींच लिया तो श्री कृष्ण को सांप से बंधे हुए नीचे जाते सखाओं ने देखा तुरंत हल्ला मच गया खबर पहुंची नंद यशोदा के पास वो भागे भागे आए और श्री कृष्ण ऊपर दिखते ही नहीं है यशोदा कहती है मैं कूद जाऊंगी यहां पर मैं मर जाऊंगी लोग उसको पकड़े हुए हैं श्री कृष्ण ने कहा इससे पहले कोई मृत्यु हो जाए अब हमें समाधान करना है। वे अपने शरीर को बढ़ाने लगे ऐसे बढ़ाते चले गए कि कालिया को संकुचन का अनुभव होने लगा और लास्ट में कालिया ने श्री कृष्ण को छोड़ा तो दोनों नदी के ऊपर पहुंचे अब कालिया ने अपने सब उसके सैकड़ों फर्ण थे सब निकाले सब गतिशील श्री कृष्ण एक फण को दबाकर उस पर कूद गए और यहां पर प्रारंभ हुआ नटवर श्री कृष्ण चंद्र का अद्भुत नृत्य वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च चमत्कृत करने वाला नृत्य है भगवान शंकर जी का तांडव नृत्य जो वे महाप्रलय काल में करते हुए सृष्टि का संघार करते किंतु ये एक ऐसा नृत्य वो तांडव से भी परे चला गया क्योंकि गतिशील प्लेटफॉर्म उसके सैकड़ों फण और श्री कृष्ण उस पर नृत्य करते जा रहे हैं कालिया का दमन भी कर रहे हैं एक से दूसरे तीसरे चौथे पर कूदते जाते हैं ऐसे नृत्यकार लास्ट में कालिया के मुख से रक्त निकलने लगा उसकी पत्नियों ने उसको घेर लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी नाक पृष्ठम न सार्वभम नरसाधिपत्यम महाराज हम जानते हैं और मानते हैं कि हमारे पति बहुत बड़े पापात्मा हैं। इतने बड़े पाप आत्मा है कि इनको नाग की योनि मिली ये पूर्व पापों का परिणाम और इस योनि में भी उन्होंने इतना पाप किया लेकिन अब हम मानते हैं कि इससे सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा क्योंकि आपकी पदरज हमारे पति को अपने सिर पर प्राप्त हो गई तो पत्नियों ने कहा महाराज आपकी कृपा जब किसी जीव पर हो जाती है उसका उद्धार कैसे नहीं हो सकता उस प्रार्थना को सुनकर कालिया के भी हृदय में परिवर्तन आया जैसे जगाई मधाई परिवर्तित हो गए थे गौरांग महाप्रभु के समय वो भगवान से प्रार्थना करके क्षमा मांगने लगा श्री कृष्ण ने कहा ठीक है हम तुमको जीवन दान दे रहे हैं किंतु अब तुम यहां नहीं रहोगे तो श्री कृष्ण ने उसको ब्रजमंडल से बहिष्कृत कर दिया कुछ लोग कहते हैं कि वो पहुंचा यूरोप के नीचे मेडिटरेनियन सी है वहां पर पहुंचा और वहां आज भी वहीं के संस्कृति इतिहास में एक ऐसा ही प्राणी दिखता है जिसको लोग कहते हैं लॉचनेस मॉन्स्टर तो कालिया व्रत से वहां जाके लॉचनेस मॉन्स्टर बना अब समय बीतता जा रहा है श्री कृष्ण की गोचारण लीला चल रही है यहां गोपियों ने कात्यायनी व्रत रखा कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी वो मां त्यायनी की उपासना करती आप कहेंगे गोपियां तो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य है तो मां त्यायनी की भक्ति क्यों करती हैं? वो मांगती क्या है नंद गोप सुतम देवी पतिमे में कुरुते नम हे मां हमको श्री कृष्ण पति के रूप में मिले तो ये जब व्रत हुआ उसी के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने चीर हरण लीला की एवं उस समय उन्होंने गोपियों को वरदान दिया उन्होंने कहा आज से एक वर्ष के पश्चात हम तुमको महारास का रस प्रदान करेंगे तो ये जो प्रसंग हुआ अब क्रम चलता जा रहा है ब्रजवासी लोग इंद्र की भक्ति करते थे क्योंकि कृषि समाज है और वो कृषि समाज वर्षा पर निर्भर करता है अभी भी यदि आप काठमांडू जाएंगे तो वहां पर प्रति वर्ष एक दिन इंद्र की पूजा संपूर्ण काठमांडू में होती है तो ब्रजवासी लोग भी ऐसा ही करते थे श्री कृष्ण ने कहा हम तो भविष्य में गीता में कहेंगे देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है केवल सुप्रीम पावर की करनी है हमारे ब्रजवासी लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा इसलिए श्री कृष्ण ने कहा अब समाज में परिवर्तन कैसे लाया जाए समाज सुधारक बन रहे हैं उनने कहा पहले जो अपनी पार्टी है छोटे बच्चों की उनको अपनी तरफ करो उस सखाओं की गोष्ठी बुलाकर श्री कृष्ण ने कहा देखो ये गोवर्धन है ये विष्णु जी का ही स्वरूप है ब्रजमंडल में विष्णु जी ये तीन पर्वत थे विशेष विष्णु जी गोवर्धन के रूप में अवतरित हुए ब्रह्मा जी बरसाना पहाड़ी के रूप में अवतरित हुए और शंकर जी नंदीश्वर जहां पर नंदगांव बना है उसके रूप में अवतरित हुए तो श्री कृष्ण ने कहा ये गोवर्धन इसी से हमको हमारी गाय को घास मिलती है और हमारे समाज की रक्षा होती है हम इसकी पूजा करें तो इंद्र की पूजा कट जाएगी अब जब छोटे बच्चे साइड में हुए तो श्री कृष्ण ने पूरे ब्रजवासियों की सभा बुलाई और सबको समझाया कि हमको किसी अन्य की भक्ति नहीं करनी है गोवर्धन की ही हम पूजा करेंगे सब ने स्वीकार कर लिया तो निर्धारित दिन पर ब्रजवासी लोग विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर और ले गए गोवर्धन जी के पास ये प्रथम गोवर्धन पूजा हुई और श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन का स्वरूप साक्षात स्वरूप धारण करके उसको ग्रहण किया तो इंद्र ने कहा ये कौन सा लाला आ गया जिसने मेरी पूजा बंद कर दिए इंद्र ने कमीशन किया बादल को बादल का नाम था संवर्तक जाओ पूरे ब्रज को डुबा दो संवर्तक आया मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई वो वर्षा में अब सब लोग कहने लगे कि नंद के लाला ने तो हमको अच्छे से फंसा दिया अब हम लोग क्या करेंगे श्री कृष्ण ने उस समय कहा घबराओ मत वे गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून में उठाकर सबको बोले आओ नीचे यहां पर बोलिए गिरी गोवर्धन धारी भगवान की सात दिन सात रात्रि तक वो लीला चली ब्रजवासी वहां पर सुरक्षित बैठे हुए हैं सात दिन के बाद इंद्र को होश आया उसने बादल को वापस बुलाया श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से जल को सुखा दिए पहाड़ी को नीचे रखे तो इंद्र आकर ऐरावत से उतरकर उसने प्रणाम किया माफी मांगी महाराज मुझसे गलती हो गई तो ये जो इंद्र ने माफी मांगी सखा लोग सब देखे और उन्होंने कहा अच्छा ये हमारा लाला देवराज ने इसको प्रणाम किया इसका मतलब ये भगवान है तो उनका जो भाव था सख्य भाव वो गड़बड़ होने लगा ये तो भगवान अब वो डर डर के देखने लगे पहले जो साख्य भाव था हमारा दोस्त है आओ तुम्हारे गले में हाथ डालेंगे वो सब नष्ट हो गया श्री कृष्ण ने उनके भाव परिवर्तन को देखा तो रोने लग गए सखाओ ने कहा कन्हैया रोता क्यों है श्री कृष्ण ने कहा लोग मुझे बुरी नजर से देख रहे सोच रहे हैं मैं भगवान हूं जो पहली दृष्टि थी ममत्व की ये तो मेरा दोस्त है अब उसमें दूरी आ गई है तो श्री कृष्ण को ऐश्वर्य भक्ति पसंद ही नहीं तो सखाओ ने आपस में मीटिंग की अरे भाई ये तो किसी ने गलत व्हाट्सएप भेज दिया ये भगवान थोड़ी ये तो हमारा दोस्त है बड़े लोगों को कुछ पता नहीं फिर भूल अब समय बीतता जा रहा है तो आज की कथा का लास्ट प्रसंग महाराज का श्री कृष्ण आठ वर्ष के थे तो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी ये हमारे भारतवर्ष में सबसे बढ़िया मनोरम रात्रि जब न सर्दी होती है न गर्मी न बरसात उस रात्रि को श्री कृष्ण ने चुना उन्होंने अनेक रात्रियों को जोड़कर एक ब्रह्म रात्रि बना दी तो ये हम पहुंचे हैं अब जो दशम स्कंध है जिसको हृदय कहते हैं उसका भी मुकुटमणि है रास पंचाध्याय ये जो पांच अध्याय रास के ये भागवत का मुकुटमणि पांच प्राण के समान तो श्री कृष्ण रात्रि में कदम के वृक्ष के नीचे अपने अधरों पर मुरली रखकर पंचम स्वर में तान करने लगे मुरली की तान योग माया से सर्वत्र ब्रज में फैली उसमें योग माया का जादू था जो अधिकारी जीव है उनको सुनाई दे रही है जो अधिकारी नहीं है उनको पता ही नहीं तो वो गोपियां जो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी उनका मन श्री कृष्ण ने मुरली से खींच लिया गोपियों का मन जब भगवान के पास चला गया वे समाधि में पहुंच गई अब वो समाधि की अवस्था में घर से भागी और भागते भागते सैकड़ों गोपियां पहुंचती चली जा रही है यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने देखा ये तो आ गई चलो थोड़ी परीक्षा ली जाए भगवान परीक्षा लेने से बाज आते ही नहीं क्योंकि भगवान का काम है जीव को और आगे बढ़ाते जाओ सबका अपना अपना धंधा भगवान का धंधा जीव का कल्याण जिसके लिए परीक्षा आवश्यक तो जब सब गोपियां पहुंची श्री कृष्ण ने कहा तुम लोग क्या करने आई हो स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह गोपियां सब खड़ी हो गई चुप या हमको बुलाए हैं अब पूछते हैं क्या करनी आई हो तो श्री कृष्ण ने कहा गोपियां कुछ बोलती नहीं हम ही बोले दृष्टम राकेश कर अच्छा, 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 सीनरी बहुत बढ़िया ये शरत काल में बसंत कालीन फूल खिल गए जो योग माया से ही खिले थे तो दृश्य देखने आई अब तुमको लौट जाना चाहिए यहाँ पर हिंसक पशु इत्यादि है गोपियां फिर भी खड़ी है तो श्री कृष्ण ने उनको लेक्चर दिया देखो तुम्हारे घर में तुम्हारे पति हैं सास ससुर हैं बच्चे हैं उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है जाओ यहां से जब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा आम गोपियों ने उत्तर दिया ृदृत्तिर स्त्रीण स्वधर्म इति धर्म विध्व अस्वेवतुपदेशो प्रेष्ठो स्तनुता किल बंधुरात्मा ए धर्मात्मा श्री कृष्ण को टॉन्ट कर रही है क्योंकि श्रीकृष्ण उनको धर्म का लेक्चर दिए ए धर्मात्मा तुमने जो लेक्चर दिया क्या तुम भगवान हो श्री कृष्ण कहते हा तुम सब शक्तियों के मूल अधिष्ठान हो श्री कृष्ण कहते हां तो अगर हमने तुम्हारी भक्ति कर ली हमने संपूर्ण शक्तियों की संपूर्ण संसार की भक्ति कर ली श्री कृष्ण कहते हैं हां तुम कैसे हमको बोल रहे हो वापस जाए हम नहीं जाएंगे हम यही रहेंगे तो श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि तुम धर्म की शरण में हो एक होता है शारीरिक धर्म एक होता है आत्मा का धर्म तो जब शरीर के धर्म की बात आई तो पित्री देवो भव मात्री देवो भव इत्यादि इत्यादि राष्ट्र की भक्ति करो पति को परमेश्वर मानो इत्यादि जब आत्मा की बात आई तो आत्मा का धर्म क्या है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज परमात्मा की शरण में जाए वहाँ पर सुकदेव जी कहते हैं देखो ये श्री कृष्ण जो है गोपी नाम, तत्पती नाम तश्चरति सोध्यक्ष क्रीडने नेह देह भाग ये जो श्री कृष्ण है ये गोपियों की आत्मा के पति ही नहीं गोपियों के जो पति हैं उनके भी पति हैं और जितने पति है संसार में बृहस्पति प्रजापति कोपड़ापति उनके भी पति भगवान है पतिम पति नाम परमस परस्तात वेद कहता है तो वहां से महारास प्रारंभ हुआ रास मंडल में चारों तरफ गोपियां नृत्य कर रही हैं और बीच में युगल सरकार राधा कृष्ण नाच रहे हैं अब वो जो नृत्य चल रहा था देवी देवता आकाश में वाहनों पर स्थित होकर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं ये रसानाम समूह इतिरास अनंत ब्रह्मांड के सर्वोच्च रसों का समूह प्रत्येक गोपी कला में निपुण और कला के साथ भाव ये अनडिफीटेबल कॉम्बिनेशन जहां कला भी है भाव भी है ऐसी भक्ति तो फिर श्री कृष्ण ने और कृपा कर दी तो जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधव चातरे नांगना इतमा कल्पते मंडले मध्यग गेणुना वेणुना देवकी नंदन तो एक श्री कृष्ण एक गोपी एक श्री कृष्ण एक गोपी ऐसे चल रहा है तो यहां पर गोपियों ने गलती कर दी उस अवस्था पर आई हुई गोपियों ने अहंकार कर लिया हम विशेष हैं इसलिए भगवान हमारे साथ नृत्य करते अब ये हम वाली बात हो गई मैं ऐसी हूं तो फिर भगवान से दृष्टि हट गई या तो भगवान को देखो या मैं को देखो जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही प्रेम गली अति सांकरी या में द्वैन समाही तो वो मैं आ गया श्री कृष्ण ने कहा ठीक है हम चले वो राधा जी को लेकर चले वहां से तो गोपियां पश्चाताप करने लगी वो वन वन में भटकने लगी हमने क्या कर दिया भगवान गायब हो गए तो राधा कृष्ण जा रहे हैं तो वहां पर सुखदेव जी कहते हैं याम गोपी मनयत कृष्ण ये गोपी ने विशेष आराधना की है सुखदेव जी डायरेक्टली राधा जी का नाम नहीं तो कुछ लोग पूछते हैं कि भागवत में राधा का नाम नहीं आया कारण यह था कि सुखदेव जी इनका ओरिजिनल स्वरूप ये गोलोक में राधा जी के लीला सुख हैं तो इनका राधा जी से इतना प्रेम है यदि ये मुख से राधे कह दें, ये मूर्छित हो जाते राधा नाम मूर्छाषाण की भवेत। तो उनको सात दिन में भागवत पूरी करनी है इसलिए वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो नूनम अब वो राधा शब्द इनडायरेक्टली आ गया तो राधा ने कहा लो हमारी गोपियों को छोड़कर ये हमारे साथ चल रहे हैं राधा जी ने भी अहंकार का अभिनय कर दिया उन्होंने कहा मैं थक गई हूं मुझे कंधे पर उठा कर ले चलो श्री कृष्ण ने कहा अच्छा तो ठीक है टांग ऊपर करो राधा जी ने टांग ऊपर की श्री कृष्ण नीचे से गायब हो गए तो राधा जी भी अब रोने लगी ये सखिया और राधा आपस में मिली तब उन्होंने प्रारंभ किया गोपी गीत ये गोपी गीत के उन्नीस श्लोक ये इतने गूढ़ हैं गोपियां अपने प्रेम भावों को व्यक्त करती हैं और लास्ट श्लोक जब उन्होंने कहाता शनि प्रिय दधीमशेशमसी तद्यथ तेन किं स्वित कूर्द्रमतिधी दायुषाम तो श्रीकृष्ण पिघल गए और वे एक झाड़ी से प्रकट हो गए जब प्रकट हुए तो सब गोपियां भागी श्री कृष्ण का लिंगन के लिए पश्चात गोपियों ने कहा श्याम सुंदर तुम कैसे भगवान संसार में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं कुछ ऐसे निष्ठुर होते हैं कि जो उनसे प्रेम करता है उससे भी उल्टा व्यवहार करते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि आत्मा राम होते हैं कुछ पूर्ण काम परम निष्काम तुम किस कक्षा में आते हो हम तुमसे इतना प्रेम करती हैं तुम गायब ही हो गए श्री कृष्ण ने उसकी साइंस बताई उनने कहा देखो गोपियों एक गरीब आदमी था उसको ढेर सारा धन मिल गया फिर अब वो ठाठ में रहता है गाड़ी में जाता है और फिर धन छिन गया तो वो आदमी फिर गरीब हो गया अब धन को याद करता है वो भी दिन थे मर्सिडीज में घूमते थे अब साइकिल चलानी पड़ती तो इसी प्रकार से जीव आनंद से रहित है भगवान मिले और चले गए तो भगवान को वो याद करता रहता है जीव तो गोपियों मैंने जो किया तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए किया फैक्ट में जितनी मात्रा में तुम मुझसे प्रेम करती हो उतनी मात्रा में तुमसे करता हूं मैं तो छिप छिप कर देखकर विभोर हो रहा था तो पुनः वो रास चला अब ये लीलाए आगे बढ़ी हमको मथुरा जाना होगा वृंदावन में अब बैठे नहीं रहना है तो श्री कृष्ण जब 11 वर्ष और 50 दिन के हुए नारद जी पहुंचे और श्री कृष्ण को कहा कि श्याम सुंदर तुमको गोपियों के साथ रास करने से फुर्सत नहीं मिल रही है कंस की समस्या अभी भी हल नहीं हुई है वो उत्पात मचाए हुए देवी देवता तक परेशान है दो दिन के अंदर मैं कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं श्री कृष्ण ने कहा नारद कंस को भी कुछ बोल के आए हो क्या नारद ने कहा हा बोल के आया हूं अब वो क्या बोल के आए और श्री कृष्ण वहां कैसे प्रस्थान करेंगे आगे की मथुरा द्वारका की लीला कैसी होगी इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आज नहीं कल जब इस कथा की पूर्णा होती